वास्तव जी और अन्य अन्य अतिथिगण समूचे मंच के लिए जोरदार तालियां बजाए एक बार हाथ ऊपर करके। और मैं सबसे पहले दो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस खरगोन के सहित पूरे इंदौर का हमारा कुशल नेतृत्व आपके यहां इस मंच के समक्ष अलग अलग प्रकार की भूमिका में, लेकिन सबके मन में एक संकल्प है कि हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने के भारत को साकार करने के लिए जान की बाजी भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटे, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस अनमोल नेतृत्व ने जो मौका दिया है, वो 21वीं शताब्दी का भारत जिसके अंदर अपार क्षमता छिपी हुई है। और भारत, हम जानते एक बड़ा अच्छा कोटेशन आया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में, मेरे को सुनाया नहीं, जोर से बोलो, एमपी के मन में। हम सब जानते परमात्मा की दया से नवग्रह भगवान के मेले का आज हमने एक तरह से भूमि पूजन किया है। और हमारी अपनी पुरानी सरकार यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी, पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। अपने आज के इस कार्यक्रम में मैंने कई कार्यक्रम जुड़वाए हैं, और वैसे तो मैं दो दिन से आपके खरगोन और खंडवा जिले में ही हूं, परसों रात को भी आया, कल भी था और आज भी आपके बीच में हूं, क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, निमाड़ को छोड़कर के कोई बात नहीं हो सकती। प्रदेश की धुरी में अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो समूचे निमाड़ की है। क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या अलीराजपुर और क्या हमारा खंडवा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज तो जिस प्रकार का ये माहौल बना है, वाकई आपने अपने सारे परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, आपने प्रचंड प्रेम का आज प्रकटीकरण करा है। पूरा पांडाल और पूरा स्वागत समारोह, वाकई में एक बार आपको फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कोई किसी सामान्य परिवार के व्यक्ति के प्रति लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये आज का हमारा दौर कई मायनों में अलग है, कई मायनों में हमको सबको सीखने और सिखाने वाला है। आजादी का वो कठिन दौर, जिस कठिन दौर के बाद लोकतंत्र की लड़ाई प्रारंभ हुई थी, और लोकतंत्र की लड़ाई में आपके टंट्या मामा सहित 1857 के बाद अंग्रेजों की प्रखर चुनौती के सामने कई कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, कई कई क्रांतिकारियों ने अपने खून की होली खेल करके इस लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किया। इसी लोकतंत्र के लिए इसी झाबुआ जिले के पुराने जिले और आज वर्तमान के अलीराजपुर से चंद्रशेखर आजाद अपने पढ़ाई करने गए थे बनारस में, लेकिन देश की आजादी के लिए उनने संकल्प किया है, मैं आजाद रहा हूं, आजाद ही रहूंगा, लेकिन भारत माता को भी आजादी के मार्ग में